अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ग़ुलाम नबी। कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस पार्ट टू के चैप्टर नंबर 8 में से सी लैंग्वेज की 3 टर्म्स को समझने वाले हैं जो हम प्रोग्रामिंग में मोस्टली यूज़ करते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो ये टर्म्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने 3 जो है टर्म्स समझनी है। नंबर 1, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, मेन फंक्शन किसे कहते हैं, और सी स्टेटमेंट्स किन्हें कहा जाता है। ये एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है और इस एग्जांपल से हम हेडर फाइल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। हेडर फाइल्स जो हैं, पहले हम देख चुके हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स 2 किस्म की होती हैं, एक इंक्लूड और एक डिफाइंड। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की मदद से हम अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को अटैच करते हैं। यहाँ पर देखें तो हमने 2 हेडर फाइल्स जो हैं वो ऐड की हुई हैं, एक stdio.h ये वाली फाइल ऐड की हुई है और एक conio.h2 फाइल्स हमने अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड की हुई हैं। अब इन फाइल्स को ऐड करने का मकसद क्या है? इन फाइल्स के अंदर कुछ प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनको हमने यूज़ करना होता है अपने प्रोग्राम के अंदर। मसलन अगर आप देखें तो हमने एक फंक्शन यूज़ किया है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है ये इस वाली हेडर फाइल के अंदर मौजूद होता है। अगर आप इस क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये हेडर फाइल आप अपने प्रोग्राम में अटैच करेंगे तो देन ही क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है वो काम करेगा। इसी तरह जो आपका ये प्रिंट एफ फंक्शन है जिसकी मदद से हम स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज प्रिंट करते हैं, तो ये आपका प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये इस वाली हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद होता है। इसका मतलब अगर हमने प्रिंट एफ को यूज़ करना है तो हमें stdio को अटैच करना पड़ेगा। और इसी तरह गेट सी एच फंक्शन को हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम की आउटपुट को स्टे करवाने के लिए एक तरह से, तो इसको अगर हमने यूज़ करना है तो हमें ये conio.h वाली फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर अटैच करनी पड़ेगी। इसका मतलब हेडर फाइल्स असल में कुछ फाइल्स हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस पड़े होते हैं जिनको हमने अपने प्रोग्राम के अंदर अपनी आसानी के लिए यूज़ करना होता है। तो सिंपल सी फिर इसकी डेफिनेशन बन सकती है कि हेडर फाइल्स कलेक्शंस होती हैं ऐसे प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस की जिनकी मदद से हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट टास्क जो हैं वो परफॉर्म करवाते हैं। तो उसके अलावा अगर एक पॉइंट हमें ये भी पता चला कि अगर आपने कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना है जैसे क्लियर स्क्रीन, तो उससे पहले वो जिस भी हेडर फाइल के अंदर है उसको हमें लाजमी अटैच करना पड़ेगा, अदरवाइज वो फंक्शन काम नहीं करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमें ये पता चला कि हमने अगर हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करनी है तो किस तरह से ऐड करते हैं, हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हैं और एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान जो है अपनी उस फाइल का नेम लिखते हैं और हमारी जो हेडर फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन .h होती है। तो हम हेडर फाइल का नाम लिखने के बाद .h लाजमी लगाएंगे। तो ये पॉइंट्स थे हेडर फाइल्स के हेडर फाइल्स क्या चीज़ है और हेडर फाइल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हेडर फाइल्स के अंदर होता क्या है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल इन्हें किया जाता है। चलें अब इसके पॉइंट्स देखते हैं कि हेडर फाइल्स के पॉइंट्स क्या बनते हैं। तो सिंपल से पॉइंट्स आपके पास सामने, हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हेडर फाइल्स के अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हमारे पड़े होते हैं जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ काम लेते हैं। ईच हेडर फाइल्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। हर हेडर फाइल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पहले से बने बनाए फंक्शंस पड़े होते हैं। हेडर फाइल्स मस्ट बी इंक्लूड बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शन। हेडर फाइल्स को लाजमी आपको पहले इंक्लूड करना पड़ेगा अगर उस हेडर फाइल का कोई भी फंक्शन आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो। अब इसकी एक्सटेंशन क्या है हेडर फाइल्स की, .h से हम इसकी एक्सटेंशन को ऐड करते हैं। और लास्ट वन है द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को अटैच करने के लिए। अब नेक्स्ट जो है
सिंपल इसका सिंटैक्स है हमारे पास, हम हैश का सिंबल लगाते हैं, इंक्लूड का कीवर्ड लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान अपनी हेडर फाइल्स का नाम लिखते हैं। अच्छा, अपनी हेडर फाइल्स को आप डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं हेडर फाइल का नेम। जैसे यहाँ पर देखें तो हमारे पास इसका दूसरा सिंटैक्स ये है कि आप इंक्लूड के कीवर्ड के सामने डबल कोट्स लगाएं और उसके दरमियान अपनी हेडर फाइल का नेम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने प्रोग्राम में पहले इस्तेमाल करते आए हैं, हैश इंक्लूड का कीवर्ड और एंगल ब्रैकेट के दरमियान अपनी हेडर फाइल का नेम, इसी तरह आप डबल कोट्स के साथ भी किसी भी अपनी हेडर फाइल को अटैच कर सकते हैं। तो ये थी हेडर फाइल्स क्या होती हैं और उनका इस्तेमाल क्या है और इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ क्यों करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, मेन फंक्शन क्या चीज़ है। मेन फंक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, जो मेन फंक्शन है वहाँ से हमारे कंपाइलर टर्बो सी को पता ये चलता है कि यहाँ से मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, यहाँ से एक हमारे यूज़र का जो एक्चुअल कोड है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखें तो आपके सामने एग्जांपल में यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के नीचे वाइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। इसका मतलब मेन काम हमारा यहाँ से प्रोग्राम का स्टार्ट होता है। हमारा जो कंपाइलर टर्बो सी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो देखता है कि मेन फंक्शन कहाँ पर है, वहाँ पर वो जाता है और फिर मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर एंटर होता है और इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब मेन फंक्शन वो वाली प्लेस है जहां से हमारे प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है और हमारा कंट्रोल जो है वो मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर एंटर होता है और उसके अंदर लिखी हुई जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वन बाय वन फिर एग्जीक्यूट करता है। और बॉडी आप पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि मेन फंक्शन की जो बॉडी है वो कर्ली ब्रेसिस के अंदर होती है और कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उनको हम सी स्टेटमेंट्स का नाम देते हैं। अब देखते हैं जी मेन फंक्शन के पॉइंट्स क्या बनते हैं, सिंपल से हैं। द मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट, ये वो वाली प्लेस है जहाँ से हमारे प्रोग्राम सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल एंटर्स द मेन फंक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट्स। जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल मेन फंक्शन की बॉडी में एंटर होता है और उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। हर प्रोग्राम में ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन, हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना ज़रूरी है। और अ नंबर ऑफ सी स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, आप मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर जितनी मर्जी सही की स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। याद रखिएगा किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर मेन फंक्शन नहीं लिखा गया तो वो प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब उसका रिजल्ट आपको नहीं दिखाया जाएगा। सिंटैक्स क्या है, सिंपल सा है, आप वाइड मेन लिखते हैं और उसके बाद आप इस अपने मेन फंक्शन की बॉडी लिखते हैं और कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देते हैं। ये सिंपल सा सिंटैक्स है हमारे मेन फंक्शन का। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी मेन फंक्शन के बाद सी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। सी स्टेटमेंट्स असल में हमारे मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ये जो हमारी लाइन ऑफ कोड्स लिखी हुई हैं इन सब को हम क्या कहते हैं, सी की स्टेटमेंट्स का नाम देते हैं। और ये एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये इसे हम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। ये हमारे कंपाइलर कंप्यूटर को ये बताते हैं कि कौन सा टास्क जो है वो आपने परफॉर्म करना है और कैसे परफॉर्म करना है। मसलन अब ये इस स्टेटमेंट के मुताबिक बताया ये जा रहा है हमारे कंपाइलर को कि स्क्रीन क्लियर कर दो, इसके मुताबिक बताया ये जा रहा है कि हेलो वर्ड स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करो, इसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मे प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग इसको प्रिंट करो, इसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आप कोई करेक्टर्स लेने तक यूज़र से स्क्रीन को स्टे करवा दो। इसका मतलब सी स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे कंप्यूटर के लिए किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और सी स्टेटमेंट जिस तरतीब के साथ लिखी होती हैं हमारा कंप्यूटर वन बाई वन उनको एग्जीक्यूट करता जाता है। और बहुत अहम पॉइंट कि हमारी जो भी सी की स्टेटमेंट है उसे टर्मिनेट हम ख़त्म करते हैं सेमी कॉलन की मदद से। हर सी की स्टेटमेंट पे के एंड पे आप देख रहे हैं सेमी कॉलन लगा हुआ है, अगर हम सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो हमारी कंपाइलेशन नहीं होगी और सिंटैक्स एरर हमारा कंपाइलर डिस्प्ले करवा देगा। तो ये सी की स्टेटमेंट्स हैं। अब सी की स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या बनती है, तो सिंपल सी है, अ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क, ये एक हदायत है हमारे कंप्यूटर के लिए किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए।
द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स, इन्हें हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं। और कंप्यूटर परफॉर्म दीज इंस्ट्रक्शंस एज रिटन इन द प्रोग्राम, कंप्यूटर उसी तरतीब के साथ उन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता जाता है जिस तरतीब के साथ हमने उसे लिखा होता है। ईच स्टेटमेंट इन द सी प्रोग्राम टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन, हर स्टेटमेंट को हम सेमी कॉलन की मदद से टर्मिनेट करेंगे। एग्जाम्पल मैंने अगेन लिख दी है और ये टू एग्जाम्पल्स यहाँ पे दोबारा मैंने लिखी हुई हैं। सी की स्टेटमेंट्स ही हमारे पास टू सी स्टेटमेंट्स हैं और जिनके एंड पे हमने सेमी कॉलन यूज़ किया है और इनको एज इट इज़ हमारा कंप्यूटर आउटपुट हमें दिखाएगा। तो ये जो हमारे पास थी तीन टर्म्स जिसको हमने अंडरस्टैंड किया, नंबर वन हेडर फाइल्स क्या होती हैं जिनके अंदर हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस पड़े होते हैं जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच, और इसी तरह हम मेन फंक्शन वो वाली प्लेस जहां से हमारे प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। और लास्ट वन हमने देखा सी स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे कंप्यूटर के लिए किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। होपफुली आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।